Daha çok gidiyorum da söyleyeyim. Hoş mu dansın? Ye benim pati. Hoşan vali bat ka hai. दोस्तों कैसे हाल चाल है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज वो दोस्त जरूर से अच्छे हो जाएंगे जिनको खाने पीने का शौक है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पाव भाजी की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मैंने पास में भी मुझे लग रहा कई बार की है, पर आज दोबारा से शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप अपने फ्रिज में जो भी आपके सब्जियां हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, पौष्टिक बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आलू ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर मैं सारी सब्जियों का इक्वल सम्मिश्रण ही यूज़ करती हूँ। सो यस, बहुत अच्छी बन गई है। बाय द वे, लुक एट दिस कोजी कोटी, ये मैंने ना फॉरएवर 21 से खरीदी है। आई थिंक फॉरएवर 21 अभी कई स्टोर्स में अवेलेबल है, आप हडसन बे से भी खरीद सकते हैं, अर्बन प्लानट ने भी रख लिया है, पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आजकल उनके विंटर वाले स्टफ़ पे ऑफ भी चल रहा है अगर आप ख़रीदना चाहें तो। ये मुझे अच्छा लगता है घर में पहनने के लिए, जिस दिन थोड़ा सा ठंडा दिन हो या यू नो कोजी वाइब। ऐसा मेरे पास था, उसे मैं इंडिया छोड़ आई, मैंने अपने लिए दोबारा से ले लिया ऐसा सिंपल सा। और ये मुझे लग रहा सिर्फ $15 में मिला है और काफ़ी लंबा भी आपकी कमर तक कवर कर देता है, सो इट्स वेरी गुड। एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करना एंड कमेंट बार में बताना कि आज आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देयर ही इज, ही इज़ माय हस्बैंड, ही इज़ अ न्यू हस्बैंड आई गॉट। मेरा हस्बैंड एक्सचेंज ऑफर चल रहा था तो मैंने मेरे पति को चेंज कर लिया है। मैं कह रहा हूँ क्या पिता। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो पीछे इंसान घूम रहा है ये मेरा पति है। उदास हो कीजिए ना सनी, खुश हो उदास। ये मेरे पति। क्वेश्चन वाली बात क्या है? ये मेरे पति है और इनके लिए हम आज पाव भाजी बनाने वाले हैं और ये आपको रिव्यू देंगे। रिव्यू देने से बहुत जीरो किस्म के बंदे हैं ये, होपफुली कुछ तो कहेंगे। पाव भाजी थोड़ी ना मान लीजिए। आज पाव भाजी बनेगी। ना पाव ना भाजी। प्यारी पाव मैं भाजी तू। पाव एंड भाजी। मैं तू कैमरे के ओ देखी। लंपी खेल के आए हैं उनका दवाई हैं। इतने हिम्मत नहीं लगन दिया बिल्कुल। बाल भी कटाले ला रहा है। सो यार दोस्तों, हस्बैंड को कुछ नहीं पता है आज पाव भाजी बनने वाली है एंड ये माऊ माऊ का ये खा लेंगे। ओके दोस्तों, तो हस्बैंड को आज पाव भाजी खिलाते हैं क्योंकि हस्बैंड ना बहुत ही ज़्यादा कड़वे करेले जैसे हो गए, करेले खा खा के, तो थोड़ा उनका चटपटा माहौल कर दिया। तो रेसिपी को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी टिप शेयर करना चाहती हूँ जो किचन में काफ़ी हैंडी आएगी। जब हमारे स्टेनलेस स्टील के पैन गंदे हो जाते हैं तो मुझे बहुत अजीब लगते हैं, मैं उनको चमका के रखना चाहती हूँ। तो सो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये पाउडर जिसका नाम है बार कीपर्स फ्रेंड। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा या कैनेडियन टायर से आप ख़रीद सकते हैं। ये काम करता है किसी भी कुकवेयर को क्लीन करने के लिए, किचन को या वॉशरूम की टाइल्स को, पर मैं इसे बेसिकली किचन में ही यूज़ करती हूँ। सो ये पाउडर को मैं पैन के ऊपर लगाऊंगी और मैं इसे स्क्रब करूंगी स्पंज के साथ एंड स्टील वूल के साथ, एंड उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। सो अगले स्टेप के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ईजी ऑफ, ये अवन क्लीनर है, हैवी ड्यूटी है। अगर आप वो पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी यही यूज़ कर सकते हैं, पर इसका जो स्मेल है बहुत ही केमिकली है, तो अपने मास्क ज़रूर पहन लें एंड फूड आइटम्स को दूर रखें। अब मैं जनरसली इसे
स्प्रे करूंगी पैन के ऊपर, लाइक जहां पे भी मुझे जरूरत है उस एरिया को कोट कर देंगे। और अब अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बेस्ट है, पर मैंने आज एक घंटे के लिए छोड़ा। अगर ओवरनाइट छोड़ो तो आपको ज्यादा स्क्रब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक घंटे के बाद स्क्रब करना शुरू किया। सो ये जो बड़ा पैन है इसे स्क्रब करने के लिए समय लगा क्योंकि वो ज्यादा ही गंदा था। और ये आप छोटे पैन की तरफ देख सकते हैं कि एक ही बार में सारा जो भी गंद था वो मेल्ट डाउन हो गया। एंड उसके बाद आप इसे अच्छी तरह वॉश कर लें एंड आपके बर्तन काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। मेरे चमकदार हुए हैं, पर इससे भी बेटर हो सकते हैं अगर मैं ओवरनाइट छोड़ूं और ज़्यादा अच्छा स्क्रब करूं, पर मेरे हाथों में जान थोड़ी कम है। पर ये आप ज़रूर से ट्रिप ट्राई करें। अब बारी आती है पाव भाजी की। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी सब्जियाँ यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ जुकीनी, आलू, बैंगन एंड ऑल्सो गोभी। हम ये सारी सब्जियों को बारीक अच्छा काट लेंगे क्यूब्स में। आप बड़ा भी काट सकते हैं, इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि हम इसे विसल लगवाएंगे। जब ये सारी सब्जियां काट लेते हैं हम, मैं इसमें फ्रोज़न सब्जियां भी ऐड करूंगी क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं थी। बीन्स का फ्लेवर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, सो बीन्स ऐड करेंगे, कैरेट्स करेंगे, पीस करेंगे एंड ये कैरेट के मिक्सचर में कॉर्न्स भी थे तो वो भी अंदर जाएंगे। उसके बाद कैप्सिकम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप तड़के में भी ऐड कर सकते हैं पर मैं इसी में ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छा कुक हो जाए। उसके बाद आलू, आलू आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं क्योंकि आलू का फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार लगता है भाजी में, पर मैं इसे हेल्दी वर्जन बनाना चाहती हूँ तो मैं आलू कम ही ऐड करती हूँ, लाइक थिन। और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा बनेगा, आपको ऐसे फील नहीं होगा कि ये सारी बेस्वाद सब्जियां इसके अंदर हैं। अब मैं इसकी सीजनिंग कर देती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी कलर के लिए, रेड चिली एंड सॉल्ट, बाकी हम लेटर करेंगे। पानी डाल के इसको एक दो सीटियां लगा लेंगे, एक दो सीटियों में ये सब्जियां गल जाती हैं, अगर नहीं होंगी तो एक दो ज़्यादा लगा लेना। अभी तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। ये जो पेपर बची है मेरे पास इसको मैं तड़के में यूज़ करूँगी ताकि वो क्रंच एंड वो कैप्सिकम का जो फ्लेवर है वो आता रहे। ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ एंड टमाटर। टमाटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये जो भाजी है खट्टी अच्छी लगेगी, सो तीन चार टमाटर ऐड कर देंगे। अनियन मैं एक ही ऐड करूँगी और इसको हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं पर हिम्मत ऐसे आसानी से खा लेता है तो मैं फूड प्रोसेसर यूज़ करूँगी। और बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आता है कि ये फ्रूड प्रोसेसर कौन सा है, तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अमेजोन स्टोर फ्रंट पे मैंने लिंक करके रखा है, तो आप ये सेम सा खरीद सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल ही है ये। जब हमारा ये तड़का हो जाता है तैयार, हम तड़के की तैयारी कर लेंगे क्योंकि जो सब्जियां हैं वो तो हो ही जाएंगी जल्दी एंड हस्बैंड को काफ़ी भूख भी लगी है। सो पैन में मैंने अच्छी जेनरसली लिया है ऑयल, ऑलिव ऑयल में तड़का लगाने वाली हूँ मैं। सो जीरा ऐड करके सबसे पहले अनियन कर देंगे। अनियन जब ट्रांसलूसेंट होता है तो हम टमाटर का मिक्सचर कर देंगे। यहाँ पे अनियन को आपको बहुत मज़ेदार कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्ज़ी है, इसमें थोड़ा ट्रांसलूसेंट अनियन ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जो तरी वाली सब्ज़ी होती है, करी होती है, उसमें आपका अनियन फुली कुक्ड होना चाहिए। ओके, अब मैं ऐड करूँगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए काली मिर्च, इसको हम मिक्स करेंगे। सॉल्ट भी ऐड किया है मैंने। एंड देन हम टमाटर का मिक्सचर ऐड करके इसे अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक ये प्यारा ऑयल नहीं छोड़ देता। सो दूसरी तरफ हमारी सब्जियां हो चुकी हैं, जब तक ये तड़का कुक हो रहा है तो हमारी सब्जियों को हम मैश कर लेंगे। मैं ये प्यारी सी मदानी है मेरे पास, इसको मैं साग के लिए यूज़ करती हूँ कोटने के लिए, सो उसी से मैं कर लेती हूँ। आपके पास अगर कोई और मैशर है तो वो यूज़ करके जितना आप अच्छा मैश कर पाए उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। उसके बाद मैं एक बड़ा टेबल स्पून यूज़ करूँगी
पाव भाजी मसाले का, मुझे ये MDH का ब्रांड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका फ्लेवर फेमिलियर है मेरे से। आप अपना घर का कोई बनाया मसाला ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, या फिर कोई और अपनी पसंद के हिसाब से। आप देखें कि मेरा जो तड़का है अच्छी तरह कुक हो चुका है, तेल छोड़ दिया है, तो ये जो प्यारी सी सब्ज़ी है, सब्जियों का मिक्सचर है, इसे हम तड़के में ऐड करेंगे, अब अच्छी तरह कुक करेंगे। इसमें खूब सारा बटर भी ऐड करूँगी मैं, इसे तब तक मैं कुक करूँगी जब तक ऑयल थोड़ा अलग से दिखता नहीं है, एंड खूब सारा धनिया। एंड इस भाजी के साथ मुझे लच्छा अनियन खाना अच्छा लगता है, या वही मेरा स्टेपल है जब मैं सर्व करती हूँ। तो लच्छा अनियन काट लिया है, क्यूब्स लेमन की काट ली है, धनिया इस पर भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और ये डिनर रोल्स हैं जो पाव है, ये कॉस्को ब्रांड के हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, हमेशा फ्रेश ही होते हैं, तो ज़रूर से ये ट्राई करना इंडियन पाव के बजाय, क्योंकि वो इतने मज़ेदार नहीं होते जितने ये हैं। सो अब हम इसे अच्छी तरह सेक लेंगे। आप सेकते हुए भाजी का लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो ऐड करके सेकती हूँ, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी अगर आपको अच्छी लगे। देन हम सर्व करेंगे हमारा ब्यूटीफुल पाव एंड भाजी। जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मुझे बहुत मैटर करती है कि मेरे सर्टन तरीके से मेरा फूड दिखे, क्योंकि आँखों का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुंह से पहले आँखें खाती हैं। सो मैं प्रेजेंटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हूँ और सर्टन तरीके से ही मैं हमेशा करती हूँ। सो प्लेट में मैं भाजी डालती हूँ ताकि आराम से ठंडी हो जाए, आराम से खा पाएँ, एंड लच्छा अनियन साइड पर रखा जाता है, एंड बटर, एंड ऑल्सो ये लेमन की क्यूब। और अब हम हस्बैंड के रिव्यू लेते हैं, बहुत मज़ेदार रिव्यू, पता नहीं वो देंगे या नहीं, क्योंकि अन्य लाइक अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते ये। Hey Gugu, stop. So you taste it, review it, tell me if you want me to make it again or never make it again. मैं तो बनाऊंगा तो को अगेन अगेन। पहली बार बनाई है, नवीं शाह बनाई है आज। नवीं शाह बनाऊंगा। पाकिस्तान के लोग खाते हैं? Chef's kiss. Muchas gracias. Very nice. I love it. You like तुम्हारे हाथों में तो जादू है। Now you are almost in my height. सो गाइस, हमारा पाव भाजी का व्लॉग यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर से ट्राई करना, ऐसे पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट बनती है, एंड जो भी आपके फ्रिज में बची खुची सब्जियाँ हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ सब्जियाँ ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बनाती हैं। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंड गाइज बिल्कुल मत भूले, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। I love you guys so very much. Bye bye.